क्या बेबी क्या गिन रही हो? अगर मुझे पहले पता होता इतने लोग लाइन में तो मैं गिरता ही नहीं ना। बिना बात के डुबकी मारनी पड़ी यार। तू तो अभी आया, हम लोग सुबह से पानी में पड़े। अरे हाथ रहते रहना दिन भर। क्या देवी जी, गिनती में कोई फर्क आ रहा है क्या? मैं मदद करूँ आपकी। अरे चुटिया वाले पंडित, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू भी लाइन में लग गया क्या? अरे मैं क्या करूँ, चुटिया बना के भी आज तक कमा रहा हूँ, जहाँ से मैं आ गया उसके मैं। अरे ज्यादा मत बोल, डूब जाएगा। सम्राट, हमें लगता है हिंदू बहन पानी में डूब रही है, हम आ रहे हैं। अरे इका बहना, अगर 25 गिनने से पहले हम नहीं पहुंचते तो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती। वो तो समय पर पहुंच के हमने तुम्हारी जान बचा दी, वरना। अरे पंडित, तुझे क्या हुआ रे? तू भी यहां मरने के लिए आ गया? ओम नमः शिवाय। अच्छा डाटो और डाटो। अरे अमृत वर्मा, तोहरे पास का इतनी खूबसूरती, यहाँ मरने के लिए पहुंच गया? अरे बाप रे, अरे इधर इधर, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे सम्राट, हमको ऊपर खींचो भैया, ये गांव के सारे जवान इधर ही मरे पड़े हैं। पहले मुझे जान दो। तू का बात कर रहा हमसे? नहीं सम्राट, उन्हें ऊपर मत खींचो, और दो लोगों को अंदर धकेलेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा मतलब? तुमने ही तो वो कहानी सुनाई थी, मटके में पानी नीचे था ना, तो कौवे ने पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया था, तभी तो कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए मैंने इन सबको धकेल दिया। अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती अपने आप को, हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया और तुम देखते रहे। रुक मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुले आप छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है, आइंदा ऐसा ना हो इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर, उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो, चलो यार। ऐसा हुआ तो देखना। चलो यार।